जय श्री माता जी। समस्त ध्यान यात्रियों को इस चेतना का सादर प्रणाम। शुभारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान यात्रा का, अतः सभी ध्यान यात्रियों से निवेदन है कि अपने अपने यंत्रों को सुव्यवस्थित व संयत कर लें, अपने चित्त को, चेतना को, जागृति को, मन को एकत्रित कर अपने हृदय की ओर अग्रसर हो जाएं, साथ ही अपनी समस्त संवेदन इंद्रियों को भी जागरूक कर लें और उनको भी अपने हृदय के साथ जोड़ लें, ताकि इस ध्यान यात्रा का लाभ उन सभी संस्थाओं को भी प्राप्त हो जो हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ी हैं। इसी के साथ समस्त चक्रों पर आसीन देवी देवताओं को भी अपने हृदय में आने के लिए आमंत्रित कर लें। श्री माँ का दरबार हमारे हृदय में
सजा हुआ है। श्री माँ के श्री चरणों में अपने ही हृदय में स्थित होकर साष्टांग प्रणाम करेंगे। उनके श्री चरणों से बहने वाले चरणामृत को अपने सहस्त्रार के माध्यम से अपने संपूर्ण यंत्र में हम ग्रहण करेंगे। इस चरणामृत के स्पर्श को अपने बाह्य अस्तित्व के समस्त रोम छिद्रों में भी आता हुआ अनुभव करेंगे। इन रोम छिद्रों पर भी जो गण उपस्थित है वह भी श्री चरणामृत के स्पर्श से प्रसन्न होते प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि हमारे एक एक रोम में ऊर्जा का अनुभव प्रकट हो रहा है। खींचता हुआ सहस्त्रार हमसा मध्य हृदय और आडोलित होती हुई विशुद्धि श्री प्रसाद से अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। मिनट दो मिनट के लिए अपने यंत्र में वह बाह्य अस्तित्व में घटने वाले निरानंद को अनुभव करेंगे और इसकी प्रतिक्रियाओं को अपनी चेतना के संज्ञान में भी लेते चलेंगे।
कितने आनंद का इस क्षण अनुभव हो रहा है हमारे भीतर बाहर। पवित्र ऊर्जा ही ऊर्जा अनुभव दे रही है। यह ऊर्जा नहीं, श्री मां का प्रेम है। मानो वो हमें ऊर्जा के माध्यम से अपने गले लगा रही हो। हम छोटे छोटे बच्चों को अपना प्रेम इस ऊर्जा के रूप में, इस ऊर्जा के अस्तित्व में प्रदान कर रही है। हमारे चारों ओर निराकारा मां उपस्थित हैं। अब अपने मध्य हृदय में फोकस करेंगे और अनुभव करेंगे कि हमारे मध्य हृदय रूपी विशालतम प्रांगण में सारे विश्व की जागृत चेतनाएं, सूक्ष्मतम अवस्था में हमारे हृदय में उपस्थित हैं और वे सभी ध्यानस्थ हैं। कुछ मिनट के लिए हम भी अनुभव करेंगे कि हम उन असंख्य सूक्ष्मतम चेतनाओं के बीच में सूक्ष्मतम अवस्था में श्री मां के समक्ष ध्यानस्थ हैं। इस विलक्षण सामूहिकता पर हम अपने चित्त को केंद्रित करेंगे और इन सब की ऊर्जा को अपने भीतर में
अपने सहस्त्रार में अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अपने ही भीतर में पूर्ण अविचारिता की समाधि में हम सामूहिक रूप से डूबते जाएंगे। अनुभव करेंगे कि हमारा बाह्य अस्तित्व एक कक्ष है और हम उसी कक्ष में ध्यानस्थ हैं। ध्यान की समाधि में उतर रहे हैं। शनै शनै हम अपने अस्तित्व को विस्मृत होता हुआ अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि हम समाप्त हो रहे हैं, हम धीरे धीरे ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं।
आकार रहित, प्रकाशित ऊर्जा जो द्रव्यों के गुणों जैसी यानी आकृति विहीन गतिमान होते हुए विभिन्न प्रकार की आकृतियां धारण करने वाली लोचकता से परिपूर्ण ऊर्जा यही हमारा वर्तमान वास्तविक अस्तित्व है। मानो धूप बत्ती से उठने वाला धुआं विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हुए गतिशील रहता है और धीरे धीरे हिलते डुलते ऊपर की ओर उठता चला जाता है। ठीक ऐसे ही धूप बत्ती का सुलगता हुआ ऊपरी सिरा मानो हमारा सहस्त्रार है और हमारा अस्तित्व एक धूप बत्ती की तरह है और हम इस सिरे से ऊर्जा के रूप में धुएं की मानित अपने सहस्त्रार से धीरे धीरे बाहर की ओर निकल रहे हैं। ऊपर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस घटनाक्रम में हमारा सहस्त्रार बड़ी तीव्रता के साथ ऊपर की ओर खींच रहा है। हम धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते जा रहे हैं।
महसूस करेंगे कि हम ऊर्जा के रूप में आकाश में विचरण कर रहे हैं। अपनी देह के एहसास से परे अनेकों ईश्वरीय शक्तियां निराकार अस्तित्व में आकाश में विचरण करती रहती हैं और हम उन समस्त बहने वाली अदृश्य शक्तियों के संपर्क में बारंबार आ रहे हैं और उन शक्तियों का स्पर्श जब हमारे निराकार अस्तित्व को हो रहा है तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति, विभिन्न प्रकार की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हमारे सहस्त्रार पर अनुभव हो रही है। यानी यह जो भी मूवमेंट हमारे ऊर्जा रूपी अस्तित्व का हो रहा है उस पर हमारा सूक्ष्म यंत्र विशेष तौर से सहस्त्रार विशुद्धि और मध्य हृदय विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं अनुभव करा रहा है। अब ऐसे ही आकृति विहीन आकार विहीन अस्तित्व में बने रहते हुए अब हम जरा चलते हैं लद्दाख के उस क्षेत्र में जहां पर हमारे सैनिक बड़ी बेरहमी से चीन के सैनिकों के द्वारा मार दिए गए। उसी क्षेत्र की ओर अब हम अग्रसर हो रहे हैं। उस क्षेत्र पर पहुंचकर
वहां की जो स्थिति है उस स्थिति को ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा संकेतों के रूप में अपने यंत्र में अनुभव करेंगे कि उस क्षेत्र में जाकर हमको कैसा अनुभव हो रहा है। आप सभी अनुभव कर रहे होंगे जब हम उस क्षेत्र में पहुंच रहे थे, ऊर्जा के प्रतिक्रियाएं हमारे यंत्र में थोड़ा बेहतर थी, और जब हम उस क्षेत्र में उपस्थित हैं मानो उस क्षेत्र को हम देख रहे हों, तो देखिए इस क्षेत्र की प्रतिक्रिया के स्वरूप हमारी दोनों हथेलियों में गर्माहट की अनुभूति हो रही है। हमारे कान से गर्माहट निकल रही है, हमारे फोरहेड पर भी गर्मी निकल रही है, यानी कि तीनों स्थानों पर हीट ही हीट निरंतर आ रही है। अपने निराकार अस्तित्व को उसी स्थान पर बनाए रखते हुए अपने हृदय की ऊर्जा को उस स्थान पर 1.5-2 मिनट तक प्रवाहित करेंगे और साथ में फोकस करेंगे हमारी सैनिकों की जीवात्माओं पर। जिनके शरीर चीनी सैनिकों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, अपने हृदय के प्रेम को उन समस्त जीवात्माओं की ओर प्रवाहित करेंगे और श्री माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री माँ, हमारे समस्त सैनिकों की जीवात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए मां। यदि आपकी इच्छा हो तो इनकी जीवात्माओं को पुनर्जन्म देकर इनको अपनी मुक्ति की साधना करने का अवसर प्रदान कीजिए मां। डेढ़ दो मिनट तक इस स्थान को, उनकी जीवात्माओं को ऊर्जा प्रवाहित करेंगे।
कितनी हीट लगातार हमारे कानों से रिलीज हो रही है, मानो उन सैनिकों की जीवात्माएं अत्यंत पीड़ित हैं, क्रोधित हैं, रोषपूर्ण अवस्था में उपस्थित हैं। निरंतर ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। अब जहां जहां पे भी हमें गर्म अनुभव हो रहा है, यानी कि कान, फोरहेड, हाथ, इन तीनों स्थानों पर अपने सेंट्रल हार्ट से ऊर्जा प्रवाहित करेंगे। निराकार अस्तित्व में हम उसी स्थान पर बने रहेंगे इसी अवस्था में हम उसी स्थान पर निरंतर बने रहेंगे और श्री महाकाली से प्रार्थना करेंगे, जो भी दुष्ट महादुष्ट लोगों ने षड्यंत्र के तहत हमारे सैनिकों की हत्या की है, उन सभी का सर्वनाश कर दें, अपने हृदय में उन महादुष्टों के लिए अत्यंत क्रोध को अनुभव करते हुए अपने मध्य हृदय की ऊर्जा को ऐसे दुष्टों तक पहुंचाएंगे। 1.5-2 मिनट के लिए
इसी प्रक्रिया को श्री मां काली से प्रार्थना करेंगे। जिन सत्ता लोलुप राजनीतिज्ञों ने, नेताओं ने इस षड्यंत्र की रचना की है, उन सभी का भी सर्वनाश कर दे। उनके समस्त इरादों को जो भविष्य में भी घटित होने वाले हैं, उनको नेस्नाबूत कर दें। ऐसे नराधमों को समूल नष्ट कर दें। अपने हृदय में श्री महाकाली का निरंतर स्मरण करते हुए यह भाव रखेंगे और इन दुष्टों के लिए अत्यंत क्रोध रोष का भाव रखते हुए भीतर की ज्वालाओं को उन तक प्रभावित भी करेंगे। अपनी चेतना को हम अपने मध्य आज्ञा के ऊपर फोकस करेंगे और श्री कल्कि का आवाहन करेंगे। जागो श्री कल्कि, हमारे यंत्रों के माध्यम से जागो। हम सब आपका आह्वान करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं। जो भी प्रकृति परमात्मा वे मानवता के खिलाफ नकारात्मक मानव हैं, उन सभी का विध्वंस कर दीजिए। श्री कल्कि का स्मरण करते हुए उनके स्थान पर अपनी चेतना को रखते हुए तृतीय नेत्र के स्थान से जो ऊर्जा हमको इस क्षण उनके आवाहन के साथ अनुभव हो रही है,
इस ऊर्जा के माध्यम से ऐसे समस्त नकारात्मक लोगों के आज्ञा में एक प्रकार से प्रहार करेंगे। डेढ़ दो मिनट तक इसी प्रक्रिया को अपने मध्य आज्ञा में तृतीय नेत्र के स्थान पर अनुभव करेंगे। जिस स्थान पर भी चीनी सेना ने कब्जा जमा लिया है, उस पूरे स्थान को इस ऊर्जा से नहला देंगे। वो कौन सा स्थान है हम नहीं जानते, किंतु श्री माँ तो जानती है ना। हमें तो बस अपनी चेतना में उस स्थान को लाना है, बाकी सारा कार्य है श्री माँ की शक्तियों का, श्री कल्की का, श्री महाकाली का। श्री महाकाली जितने भी लोगों ने हमारे देश की तरफ गलत निगाह से देखा है, लालच से देखा है, हानि पहुंचाने के इरादे से देखा है, उन सब का संहार कर दीजिए शिवा। हे श्री कल्कि, हे माँ जगदम्बा, हे माँ काली, संहार कर दीजिए। हमारा आपसे निवेदन है।
हमारे उन सैनिकों के घर के लोगों को कितना बड़ा आघात लगा होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी। न जाने कितने वर्षों से हमारे रक्षा प्रहरी इन सत्ता लोलुप राजनीतिज्ञों के महत्वाकांक्षाओं का शिकार निरंतर होते जा रहे हैं। चाहे चीन के राजनीतिक हों, चाहे हमारे देश के राजनीतिक हों, ऐसे सभी षड्यंत्रकारियों को तबाह कर दीजिए श्री महाकाली, इनका संहार कर दीजिए। अब हम अपनी चेतना को फोकस करेंगे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के आज्ञा में। और अपने निराकार अस्तित्व के रूप में हम उसके आज्ञा में प्रवेश करेंगे। निराकार ऊर्जा के रूप में उसके दोनों आज्ञा में हम ऊर्जा के रूप में उपस्थित होकर उसके दिमाग में छुपे शैतानों पर श्री कल्कि की ऊर्जा का प्रहार करेंगे। जो भी शैतानियत उसके दिमाग में घुसी है, उसके दिमाग में श्री कल्कि की ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे। श्री भ्रांति देवी से प्रार्थना करेंगे कि वे उसकी मति को
इस प्रकार से भ्रष्ट कर दें ताकि वह ऐसे ऐसे कार्य करे जो उसकी समस्त योजनाओं को, षड्यंत्रों को ध्वस्त कर दें। वह अपने आप को पूरे विश्व के सामने अनावृत कर दे। हे भ्रांति देवी, उसके मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में ले लीजिए ताकि वह अपने स्वयं के षड्यंत्रों को स्वयं ही अपनी गतिविधियों वे कार्यों से अनावृत कर दे। इसके बाद अब हम फोकस करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री के आज्ञा में यही श्री कल्कि की ऊर्जा को इनके मस्तिष्क में भी प्रवाहित करेंगे। और इनके लिए भी श्री भ्रांति देवी से प्रार्थना करेंगे यदि ये भी ऐसे ही किसी षड्यंत्रों में शामिल हैं जो कोई नहीं जानता तो इनके भी समस्त षड्यंत्रों को इन्हीं के माध्यम से अनावृत करा दें। और यदि यह शामिल नहीं है तो यह सत्यता भी सबके सामने ले आए। यदि यह वास्तव में हमारे देश को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं तो श्री कल्कि, श्री महाकाली, श्री जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे इनको भी अच्छे से सजा प्रदान करें। यदि ये भी हमारे देश के मानवों के लिए, देश के लिए हानि पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं तो इनको भी इनके कर्मों की सजा प्रदान करें। और यदि देश के हितैषी हैं तो यह भी प्रमाणित करें। हे भ्रांति देवी, हमारा देश बर्बादी के अंतिम छोर तक पहुंच गया है, इसको बचाने में मदद कीजिए। ऐसे समस्त नेताओं, राजनीतिज्ञों,
अधिकारियों के मस्तिष्क पर अपना कंट्रोल कर दीजिए ताकि यदि ये लोग भी हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्रों में शामिल हैं तो यह भी अपने आप को अपने कर्मों से पूर्णतया अनावृत कर दें ताकि देशवासियों को पूरे विश्व को यह पता लग जाए कि सत्यता क्या है। हे श्री महाकाली, यदि हमारे देश में भी कुछ ऐसे नेता, राजनीतिक लोग या इनके षड्यंत्रों को पूर्ण करने में जो सहयोगी रहे हैं उनका भी संहार कर दीजिए श्री मां से प्रार्थना करेंगे। हे श्री मां, हमारे देश में ऐसे लोगों को नेता बनाएं जो अत्यंत ईमानदार, पारदर्शी व हमारे देश का वे देश के लोगों का भला चाहने वाले हों, देश के विकास में सहयोगी हो और आपके बताए रास्ते को सारे संसार में फैलाने में मदद करें। हे श्री मां, ऐसे ही नेता हमारे देश को प्रदान कीजिए। हमारे देश को ही नहीं, पूरे विश्व के देशों को ऐसे नेता प्रदान कीजिए जो इस विश्व को सुंदर उपवन में परिवर्तित करने की इच्छा रखते हों। विश्व से ऐसे नकारात्मक, दुष्ट, लोभी, क्रूर लोगों को समाप्त कर दीजिए मां। आज तो लगता है यह सब देखकर कि इस धरती पर रहना अब बेकार है। क्या करेंगे संसार में रहकर जहां पर चारों ओर मार काट, लूट, लोभ, क्रूरता, षड्यंत्र बिखरे पड़े हों। इसीलिए श्री मां आपसे प्रार्थना है, हमारे विश्व को बचा लीजिए मां। हम सब आपके यंत्र तत्पर हैं, आपकी शक्तियों को अपने चित्त व चेतना के माध्यम से प्रवाहित करने के लिए, किंतु श्री मां सामर्थ्य आपका, इच्छा भी आपकी ही कार्य करेगी मां। हम सब तो आपसे यही
इच्छा रख सकते हैं, किंतु कार्यान्वित तो आप स्वयं कराती हैं माँ, अपने देवी देवताओं के माध्यम से। हम सब की है इच्छा, पूर्ण कीजिए श्री माँ। दो मिनट के लिए जो भी हमने श्री माँ से, श्री महाकाली से, श्री कल्की से, श्री जगदम्बा से जो भी भाव रखे हैं, इन भावों के साथ, इस इच्छा के साथ दो मिनट के लिए हम ध्यानस्थ होंगे। अपने मध्य हृदय में शिव के श्री चरणों में नमन करते हुए भाव रखेंगे, हे श्री माँ, हमने तो आपके श्री चरणों में अपनी जागृति, समझ व चेतना के अनुसार इच्छा, चित्त व चेतना रख दी है। हम नहीं जानते वास्तव में क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो श्रीमान, जैसा कि आपने हम सबको सिखाया है कि विभिन्न विश्व की विभिन्न परेशानियों पर, समस्याओं पर चित रखें और आपसे प्रार्थना करें, महाकाली से प्रार्थना करें, बस वही हमने किया है। आपको जैसा उचित लगे माँ, आप वैसा कीजिए, क्योंकि सत्यता आप ही जानती है। हम तो मानव अवस्था में रहते हुए मानवता के हित के लिए अपनी समझ, चेतना, चित्त के मुताबिक आपके श्री चरणों में अपनी इच्छा अर्पित कर सकते हैं। हे माँ, सदा हमारे हृदय में जागृत रहिए, हमारा मार्गदर्शन निरंतर करते रहिए। हे श्री माँ, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। इसी के साथ ध्यान के ये चरण समाप्त होते हैं। जय श्री माता जी। अब आप चाहें तो कुछ बातचीत कर सकते हैं।